दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस प्रेगनेंसी केयर में। पीठ दर्द के कई कारण हैं, जैसे सर्जिकल डिलीवरी, गलत तरीके से सोना या उठना बैठना। महिलाओं को आमतौर पर ऊंची हील की सैंडल पहनने से भी कमर दर्द होने लगता है। वैसे तो पीठ और कमर दर्द का एलोपैथी के जरिए इलाज मौजूद है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा में इन दोनों तरह के दर्द का स्थायी उपचार उपलब्ध है। जाने कमर और पीठ दर्द का आयुर्वेदिक उपचार क्या है। कमर दर्द होने पर दशमूल काढ़ा सुबह व शाम पीना चाहिए। चूंकि दर्द का मूल कारण कब्ज माना गया है, इसलिए कब्ज होने पर अरंडी के तेल का थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। रात्रि में गेहूं के दाने को पानी से भिगोकर सुबह इन्हें खसखस और धनिये के दाने के साथ दूध में मिला लें। सप्ताह में दो बार इसका इस्तेमाल करने से न सिर्फ कमर दर्द ठीक हो जाता है, बल्कि शरीर में ताकत भी बढ़ती है। मालिश देगी राहत। पीठ दर्द खत्म करने के लिए हल्के हाथों से मालिश करवानी चाहिए। इससे कशेरुका यानी रीढ़ का जोड़ सभी जगह बैठ जाता है और दर्द से छुटकारा मिलता है। पीठ दर्द से बचने के लिए जरूरी है कि कभी भी झुककर भार न उठाएं। जब भी कुर्सी पर या चौकड़ी मारकर बैठे तो आगे की तरफ झुककर ना बैठे। घंटों तक बैठना हो तो बीच बीच में हिलते डुलते रहें। आमतौर पर पीठ दर्द आयु से संबंधित रोग है। उम्र अधिक होने पर अन्य स्थितियों के साथ कशेरुक यानी रीढ़ का जोड़ भी दुर्लभ हो जाता है और उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। 25% कीबोर्ड ऑपरेटरों को कंप्यूटर पर काम करने से सर्वाइको ब्रैकियल सिंड्रोम हो जाता है। इसमें व्यक्ति की बाह, कंधा, पीठ और गर्दन की पेशियां हमेशा तनाव में रहती हैं। इस दिक्कत से बचने के लिए जरूरी है कि शरीर को नियमित व्यायाम से चुस्त दुरुस्त रखें। कमर दर्द के रोगी को हमेशा सख्त बिस्तर पर सोना चाहिए। काम करते समय शरीर बिल्कुल सीधा रखें। ज़्यादा भारी सामान ना उठाएं। खाने में कैल्शियम और विटामिन की मात्रा बढ़ाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए लोटस प्रेगनेंसी केयर।